सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। एक दिन कम पड़ जाएगा आपको पूरा मॉल घूमने। यहाँ सभी प्रमुख ब्रांड और भोजन का बेहतरीन स्थान भी है। ये मॉल समाज के सभी वर्ग के लिए अंतिम कर्तव्य है। ये मॉल आपको एक स्थान पर 500 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का एक मुख्यालय का खरीदारी करने का अवसर देता है। इसमें कुछ ब्रांड जैसे कि अरमानी जीन्स, मैंगो, केविल प्लेन आदि भी शामिल है। यहाँ पे आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, ये मॉल सूची में सबसे नया प्रवेश है क्योंकि ये नया खोला गया है। विशाल फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स ब्रांड, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और मनोरंजन गतिविधि भारत के डीएलएफ मॉल के कुछ मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। निकटम मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 18 है। प्रशांत मॉल सुभाष नगर, ये पश्चिम दिल्ली का एक और एकमात्र अच्छा मॉल है जिसमें एक छत के नीचे कई गतिविधि होती है। मल्टीप्लेक्स, ब्यूटी सैलून, फूड कोर्ट और शॉपिंग। अगर आप राजौरी गार्डन या द्वारका के पास मॉल जाना चाहते हैं तो एक यात्रा की जगह है। निकटम मेट्रो स्टेशन है सुभाष नगर। आपको एक जगह पर दो दो मॉल की शॉपिंग कर सकते हो आप। डीएलएफ प्रमोटेड और एम्बियंस वसंत कुंज, आमने सामने स्थित ये दोनों मॉल दिल्ली में स्थित दूसरे मॉलों से ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं। वसंत कुंज के आलिशान इलाके में शानदार सुविधा के साथ ये स्थित मॉल है जो खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोनों मॉल को भोजनालय, कुशलता, सभी ब्रांड, ऑलराउंडर को फैलाने का उद्देश्य डिजाइन किया गया है। डीएलएफ प्रमोट के शीर्ष फ्लोर पर 60 डीटी सिनेमा घरों को बनाया गया है। इस मॉल में मौजूदा कुछ प्रतिष्ठान भोजन में शामिल है जैसे कि द बिग चिल कैफे, नेडो, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड इसमें शामिल है। इस राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत मॉल के अलावा यहाँ कई अन्य मॉल भी है जो सामान्य रूप से जाने के लायक है। पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन के पास, पैसिफिक मॉल का उद्घाटन पश्चिमी दिल्ली वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को पहुंच से आसान बना दिया है जो पहले दक्षिण के अधीन थे। इसका उद्घाटन होने के बाद से मॉल पश्चिमी दिल्ली में सबसे सुविधाजनक हैंग आउट दोनों में से एक बन गया है। इसके कारखाने की छत के नीचे 130 से अधिक ब्रांड पाए जाते हैं। एक बड़ा भोजनालय का विकल्प भी यहाँ उपलब्ध है। ग्रेट इंडिया प्लेस नोएडा, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया से बस 30 ग्रेट इंडिया प्लेस नोएडा के सबसे पुराने मॉल में से एक है और सबसे बड़ा भी है। इसमें भारत का सबसे बड़ा मैकडॉनल्ड भी है और एक मनोरंजन पार्क भी है जो वाटर पार्क के रूप में दो गुना है। निकटम मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 18 का। ग्रैंड फेनिक्स ग्रेटर नोएडा, एक ग्रेटर नोएडा का पेरूस मॉल है और इसे वेनिस इटली की तरफ पर बनाया गया है। मॉल परिसर के अंदर बनी कृत्रिम झील में सवारी का आनंद ले सकते हैं। ये स्थान नोएडा ग्रेटर नोएडा में युवा आबादी का नया पाया गया और आकर्षण केंद्र भी है। गार्डन गैलरी मॉल नोएडा, दिल्ली एनसीआर के कुछ महान पबों के लिए जाना जाने वाला गैलरी मॉल पार्टी की लोगों के लिए एक जगह बन गया है। भोजनालय के कुछ सबसे बड़े मध्य अधिकारी के साथ गैलरी स्टॉप स्टीलो और टाइम मशीन का भी घर माना जाता है। डीएलएफ एम्प्यूरी वसंत कुंज, ये मॉल दिल्ली में विलासिता का प्रतीक है। डीएलएफ एम्प्यूरी विश्व के सभी शीर्ष ब्रांड का केंद्र है जिसे एशिया का सबसे शानदार मॉल होने की योग्यता प्राप्त है। यहाँ पर अधिकांश अभिजात वर्ग के लोग आते हैं जो अपने पराक्रम और शैलियों की वजह से जाने जाते हैं। इस मॉल में उपलब्ध कुछ ब्रांड क्रिश्चियन डायन, वर्सांचे, गुची, लुई विटान, रोफ केवन आदि शामिल है। एक अति विशाल 180 सीट भोजनालय जिसे स्टेट कहा जाता है जो हॉल ही इस मॉल में शुरू किया गया था। इसमें भोजन का चयन करने के लिए 7 अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों को चुनना होता है। देखिए दोस्तों, ऑरेंज आवर से बात कर रहा है, क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर दीजिए।
और कुछ बात करना है ऑरेंज? बेल आइकन को भी क्लिक की। और हमारा आपका प्यार के लिए हम बहुत खुश हैं। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय।